सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दरभंगा जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद के नेतृत्व में डीएमसीएच प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि डीएमसीएच नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसका इतिहास गौरवमय रहा है तथा डीएमसीएच ने विश्व स्तरीय डॉक्टर दिए हैं, परंतु वर्तमान में डीएमसीएच की घटिया सुविधा व्यवस्था, मिसमैनेजमेंट, कूड़ा एवं गंदगी का भरमार, सफाई की व्यवस्था, आवारा पशुओं का भरमार के साथ ही रेसिडेंट एवं जूनियर डॉक्टर एवं स्टाफों का रोगियों एवं उनके परिवारों से आए दिन दुर्व्यवहार, झगड़ा लड़ाई एवं मारपीट की घटना ने डीएमसीएच की छवि को खराब किया है तथा डीएमसीएच के विद्यार्थियों को गुंडागर्दी करने का एक अवसर देता है जो निंदनीय है, कई लोगों के प्राण तक ले लिए हैं। वर्तमान में जमाल अतर उर्फ रूमी, प्रोफेसर उमेश चंद्र, गीता देवी और आईसीयू में रात भर चूहे काटने से बच्चे की मृत्यु डीएमसीएच के व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है तथा डीएमसीएच के प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करता है। यह ज्ञापन के माध्यम से मांग किया गया है कि डीएमसीएच दोस्ताना वातावरण बनाए तथा अटेंडेंट की संख्या निर्धारित के साथ ही रिश्तेदारों से मिलने का समय निर्धारित किया जाए, दुर्व्यवहार एवं झगड़ा लड़ाई करने वाले स्टाफ एवं डॉक्टरों पर अविलंब कार्रवाई की जाए, फाइन लगाया जाए और सस्पेंड किया जाए एवं मूल्य अवस्था के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, इस साफ सफाई हेतु आवश्यक एवं ठोस कदम उठाया जाए, आवारा पशुओं को संपूर्ण डीएमसीएच एरिया से बाहर निकाला जाए तथा परिसर में पाए जाने पर इसके प्रति जिम्मेदार लोग पर फाइन किया जाए। डीएमसीएच की बेहतर व्यवस्था के लिए एसडीपीआई लड़ती रहेगी। इस ज्ञापन को देने में एसडीपीआई के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद एवं जिला महासचिव इश्तियाक अफसर एडवोकेट अदीबुद्दीन मोहम्मद मुख्तार शामिल थे।